ये आ सकते हैं मोटे लोग। गाइज यहाँ नहीं आना तो फायदा करेगा। गाइज ये रूट देख रहे हो, एकदम जिगजैग जैसा है यार, इधर उधर ये पत्थर से निकला है पेड़। गाइज केदारनाथ से भी लगता है टफ। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो गाइज व्लॉग तो काफ़ी दिनों पे ही डाल रहा हूँ, क्योंकि कारण है यार उसके पीछे। खैर वो सब छोड़ो, आज हम लोग आए हैं एक गया का एक हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, और मेरे साथ है शशांक, नया दोस्त। तो शशांक क्या बोलना चाहता है? गाइज आपको ये जगह कोई नहीं दिखाया होगा अभी तक, कोई नहीं है। और कौन कहता यार कि बिहार में एक्सप्लोर करने लायक जगह नहीं है यार, एक बार एक्सप्लोर तो करो, पता चलेगा कहाँ है। अरे आप लोग नहीं जा सकते तो हम लोग हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। सो गाइज चलो मैं आपको दिखाता हूँ, हिडन प्लेस को एक्सप्लोर करने निकले हैं। तो गाइज रास्ता तो मालूम नहीं है होगा, और हम लोग अभी गांव में पूछे हैं, छोटा सा गांव एक है इधर। उन्होंने बोला कि ये रास्ता सीधे चले जाओ, मिल जाएगा। तो इस जगह का नाम है गुरपा। गुरपा में एक टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल करके। मैं धनबाद जाता था गाइज, तो वहाँ से दिखता था यार गोल्डन टेम्पल है, बहुत ऊपर है, और है भी दिखता था बिहार में गोल्डन टेम्पल है गाइज। हाँ तो गाइज हम लोग वही एक्सप्लोर करने निकले कि क्या हो कर देखते हैं। तो गाइज अभी हम लोग को ना वहाँ जाना है, समझ रहे हो गाइज। अगर इस ब्लॉग को देखने के बाद आप लोग अगर यहाँ आना चाहो तो पानी जरूर ले लेना, 3-4 बोतल और खाने के लिए कुछ सामान। हाँ गाइज यहाँ पर सब आप लोग को यही बोलेगा पानी लिए हैं। अभी हम लोग को ना 10 लोग टोक चुका है, तो पानी जरूर ले लीजिएगा, पानी जरूर ले लीजिए। हम लोग देखिए इतना सा पानी लिए हैं इसलिए। गाइज हम लोग का ट्रैकिंग अब चालू हो गया। मैंने गलत बोला था गाइज, 2200 सीढ़ी नहीं 1600 सीढ़ी चढ़ना है, और अभी हम लोग जस्ट 100 सीढ़ी चढ़े होंगे। केदारनाथ से भी लगता है टफ है। दो सौ एक, दो सौ दो, दो सौ तीन, दो सौ चार, दो सौ पाँच, दो सौ छः, दो सौ सात, दो सौ आठ, चार, दो सौ नौ, दो सौ दस, दो सौ ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह। सो गाइस अभी हम लोग 650 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, मतलब 651 यहाँ हुआ, अभी और 1000 सीढ़ी चढ़ना है, 1680 बताया गया है। अभी एक दोस्त नीचे ही छूट गया, देखो आ गया है। तो अभी और चलते हैं। कैसे गाइज हम लोग ऑलमोस्ट 1000 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, और सामने दिख रहा है बस, वहाँ पे जाना है बस। सो गाइज आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देख लो इस पेड़ में कभी कहीं भी मतलब मिट्टी नहीं है, देख लो सीधा ये पत्थर से निकला है पेड़। गाइज ये देख सकते हो, और देखो बस जरा सा इधर से हुआ है, बाकी पत्थर में सीधा चिपका हुआ है, और इधर भी कुछ नहीं है देख सकते हो, और ये पेड़ है। तो गाइज अगर आप लोग आना तो खाना पानी लेके आना, ये तो पहले ही बता चुके। तो हम लोग लेके आए हैं समोसा नीचे से मार्केट में ही, अभी जाते समय मैं आपको दिखा दूंगा कि मार्केट किधर साइड है। और आप अगर आप गया की तरफ से आ रहे हो फिर भी उतरोगे यहाँ, क्या नाम है, गुरपा, गुरपा में। और अगर धनबाद ही सब साइड आसनसोल तरफ से आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी गुरपे उतरोगे। और गुरपा अगर धनबाद तरफ से आ रहे हो उधर आसनसोल साइड से, तो राइट साइड में मार्केट होगा, अगर गया तरफ से आ रहे हो तो लेफ्ट साइड में मार्केट होगा। तो हम लोग समोसा चलो 10 पीस लेके आए हैं, दो दो पीस खाएंगे और फिर उतरते समय खाएंगे। चलो 10 रुपये पीस पड़ेगा इस समोसे का। देखिए ऐसे समोसा ये गाइस, ये रूट देख रहे हो एकदम जिगजैग जैसा है यार, इधर उधर इधर उधर, एकदम सांप के जैसा, देखो यो देखो। और अभी पेड़ आपको हम ये दिखाएं, और अभी हम लोग को और ऊपर जाना है गाइस। हो 1236, 1237, 1238, 1249, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250 लगभग हम लोग 1200 सीढ़ी चढ़ चुके हैं, सो और ऊपर जाना है। सो गाइज बताया जाता है कि कश्यपा को ऊपर जाने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपने स्टिक से मारा और पत्थर दो भागों में बट गया और उनके लिए रास्ता बन गया। सो गाइज यहाँ पे दो रास्ता है, आपको यहाँ नहीं जाना, यहाँ पे कचरा दिख जाएगा, इधर कोई रास्ता नहीं है, आपको ये सीढ़ी वाला रास्ता जाना है। सो चलो हम लेके चलते हैं आपको ऊपर। सो गाइज यहाँ पे ना लगभग मतलब पतले दुबले लोग ही आ सकते हैं, मोटे लोग गाइज यहाँ नहीं आना तो फायदा करेगा, क्योंकि बहुत पतला रास्ता है यार, कुछ बदबू भी दे रहा है यार। ओहो देख सकते हो
गाइस देखिए मोटर लगा नहीं है गाइस। अरे यार देख सकते हो गाइस, अगर घूमना भी है तो घूम भी नहीं सकते। ओहो वो किधर गया यार, इधर और भी अंधेरा है। और गाइस यहाँ पर बहुत गमकता है गाइस, आप लोग अपने साथ एक हैंकी जरूर लेके आइएगा। बट कोई दिक्कत नहीं है यार, आना तो यार आराम से चलना फ्लैश व्लैश ला के। सो गाइस ये गुफा है जो महाकश्यप ने अपने स्टिक से मारा था और दो हिस्सों में बट गया पत्थर, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था ऊपर जाने के लिए तो इसलिए उन्होंने मारा था। और गाइज ऑलमोस्ट हम लोग बहुत ऊपर ही आ चुके हैं, आप देख सकते हो इधर पूरा ऊपर है गाइज, लगभग 1600 सीढ़ी मतलब 1200-1500 सीढ़ी ऊपर आ गया। और जस्ट ऊपर ये पहाड़ के बाद है मंदिर द गॉड बुद्धा का। सो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर ही और आपको और भी सीन दिखाते हैं, ऊपर क्या क्या है बिहार में क्या क्या है आपको वो दिखाते हैं। सो लेट्स गो। और यहाँ पे सेरा मिल गया, चलो चलो किधर गया रे, इधर आना है तो इधर का कौन सा जगह है? अच्छा व्यू है, मेरा दोस्त उधर है का। ओहो सो गाइस इधर भी एक व्यू है, आप लोग इधर भी घुस जाना। अच्छा यही तीनों खुला व्लॉग में देखा था। हाँ पता नहीं वही जहाँ है कची है। वंदामी महाकश्यप भंते गुरपा गिरी एंड आजा छोड़ू ओए। सो फाइनली गाइस मंदिर आ गया हूँ और ये देखो तीन कुत्ता मिला गाइस, कुछ नहीं था तो बस जरा सा समोसा मिला, वो भी तो चोखा तो खाएगा नहीं आलू वाला तो उसका ऊपरी भाग दे दिया खा लिया। एंड गाइस अगर आप लोग आना तो गाइस इन लोग के लिए जरूर बिस्किट और पानी लेते आना। सो देख लो मंदिर आ गया हूँ, फाइनली मंदिर आ गया हूँ, फाइनली फाइनली फाइनली। और धूप है फिर भी ठंडा ठंडा फील हो रहा है। ओ अरे सो गाइस बिहार का ये व्यू मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज कुछ ये ऐसा व्यू था हमारे बिहार का गुरपा जगह का। सो यार बिहार में भी कुछ है यार, आप लोग भी घूमने आओ समझे। अभी देखे ना कितना बढ़िया बढ़िया लोकेशन, और भी दिखाता हूँ, देख सकते हो देख सकते हो। सो आप लोग आया करो, अभी और भी दिखाता हूँ। सो गाइस कुछ ये था हमारे बिहार में लोकेटेड गुरपा टेम्पल, बुद्ध धर्म बुद्ध भगवान का सूर्य एंड ब्लॉग। सो गाइस ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। एंड गाइस आप लोग यहाँ जरूर आना घूमने, जो लोग बोलते हो ना बिहार में कुछ नहीं है तो एक बार यहाँ जरूर आना एंड एक बार यहाँ का एक्सपीरियंस जरूर लेना। एंड गाइस ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बता देना। और क्या बाकी टाटा बाय बाय। और व्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट जो लगा एक बार कमेंट में जरूर बता देना, पिन कर देना बाकी मैं देख लूंगा। सो गाइस आप लोग ठहर भी सकते हो इधर, एक धर्मशाला है जय माँ गुरु पसीनी शिव धर्मशाला और वो रहे इनका ओनर इस धर्मशाला का। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज है यहाँ पे, कोई चार्ज नहीं लगेगा धर्मशाला में रहने का और इनका ओनर ही बोल रहे धर्मशाला का, विश्वास नहीं तो आपको सुना भी देता हूँ ठीक है। सो गाइज यही अंकल हैं इस धर्मशाला का ओनर,
आप बताइए अंकल कि यहाँ पे मतलब चार्ज वार्ज लगता है क्या धर्मशाला में रहने का? धर्मशाला में कोई चार्ज नहीं, यहाँ 15 दिन सावन महीना में अमावस्या के दिन से स्टार्ट होता है, लंगर चलाते हैं, खिचड़ी और अचार फ्री सेवा, जिस व्यक्ति का मनोकामना पूरा हुआ एक दिन 10 दिन 5 दिन का जो भी सेवा हुआ वो कर सकते हैं, किसी का मना नहीं, मेरे तरफ से नहीं है। बाकी मेरे तरफ से 15 दिन चलता है, कोई भाई हाथ बटाने के लिए सोचते हैं कि हम बटावे इसमें, तो मान ली एक दिन चाहे 2 दिन की आपकी श्रद्धा हो तो बटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो मांगा जाता है, मुंह मांगा फल मिलता है, यहाँ चढ़िए ऊपर में मुंह मांगा मिलेगा। जैसे हम लोग भी कुछ विश किए हैं ऊपर जाके, बहुत कुछ मिलेगा भैया। हाँ अंकल, ये तो हम देखे हैं। सो गाइस मंदिर ऊपर है एंड यहाँ पे धर्मशाला, आप लोग रुक सकते हो, और जस्ट इस मंदिर शिव मंदिर के सामने है धर्मशाला, आप लोग यहाँ आके रुक सकते हो, कोई चार्ज वार्ज नहीं लगेगा। सो लेट्स गो। हाँ, और अंकल का नंबर भी आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, यही नंबर है, सो आप लोग इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। सो गाइस लेट्स गो।